आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो यूपीआई पिन होता है उसे चेंज कर सकते हैं। अब जो यूपीआई पिन को चेंज करने का प्रोसेस है वो मैं आपको गूगल पे पे करके बताने वाला हूँ, और जो प्रोसेस मैं करूंगा वो अगर आप किसी भी ऐप पे जाते हैं जैसे फोन पे जाते हैं या फिर भीम पे जाते हैं तो लगभग लगभग जो प्रोसेस है वो सेम ही रहता है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना जो UPI पिन होता है, जो कि आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या फिर बैलेंस चेक करते हैं तो आप जो पिन डालते हैं उसे UPI पिन बोलते हैं, उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर अगर आप उसे भूल चुके हैं तो कैसे आप उसको रीसेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल पे अकाउंट ओपन कर लेना है, गूगल पे ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में सबसे ऊपर आपको अपनी प्रोफाइल आइकन दिख जाएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट्स हैं यहाँ पर दिख जाएगा, बैंक अकाउंट मेरे पास 3 अकाउंट्स हैं तो यहाँ पे कनेक्टेड हैं, इस पर हम लोगों को क्लिक कर लेना है। अब इस पर जो है क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे 3 अकाउंट्स हैं। अब इसमें से जिस किसी अकाउंट का मुझे UPI पिन चेंज करना है या फिर रीसेट करना है उस पर मुझे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये जो अकाउंट है मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए फॉरगॉट UPI पिन का ऑप्शन आ रहा है, तो अब यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको कार्ड के डिटेल्स अपने ऐड करने पड़ेंगे, जो कि डेबिट कार्ड होगा या फिर ATM कार्ड है तो उसका जो कार्ड डिटेल मांग रहा है वो हमको फिल कर देना है। अब यहाँ पे मैं इसे फिल कर देता हूँ, ठीक है, तो इसे हम लोग फिल कर देते हैं और एक्सपायरी भी फिल कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। उसके बाद देखिए गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम UPI, तो यहाँ पे देखिए 6-digit OTP हमको यहाँ पे पुट करना था, ओके कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे UPI पिन अपना जो भी सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी UPI पिन अपना डालना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो रीसेटिंग UPI पिन ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो UPI पिन होगा वो रीसेट हो चुका है, यहाँ पे UPI पिन अपडेटेड। तो इस तरीके से आप सिंपली अपना जो UPI पिन है उसे चेंज कर सकते हो, और अगर आप भूल चुके हो तो भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई आपका UPI पिन जान चुका है और फिर भी आप चेंज करना चाहते हो तो भी आप चेंज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।